तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के इतिहास में अंततः पहली बार अंग्रेजी का चैंपियन चुन लिया गया। सेंटर फॉर टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट CTLD की ओर से वोकैब एडिक्ट क्विज 2020 का आयोजन हुआ। क्विज का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हुई क्विज के फाइनल राउंड में अंग्रेजी के मुहावरे, विलोम, समानार्थी, अनेकार्थी, लोकोक्ति के बेस पर 18 स्टूडेंट्स के 6 ग्रुप फाइनल के लिए चयनित हुए। अंततः रैपिड फायर के बाद चैंपियनशिप का सहरा वोकैब वॉरियर्स के सिर पर बन गया। वोकैब वॉरियर्स ने 195 अंक पाकर पहले, मास्टरमाइंड दूसरे, जबकि लेगेसी कीपर को तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। मास्टरमाइंड को 180 अंक जबकि लेगेसी कीपर को 125 मिले। वोकैब वॉरियर्स में BSc ऑनर्स फिजिक्स की सौम्या सिंह, BTech के सैयद शहनवाज हुसैन और BSc ऑनर्स फिजिक्स की ही फबेहा असलम ने साझा रूप से क्विज में ये सिद्ध कर दिया कि FOECs में अंग्रेजी के असली धुरंधर हैं। Make amends for expired. That's correct. Word for very generous. That's correct. Word for cancelled officially. Resign. Yeah. Can you repeat it? Rescind is correct. What's one word for one who is free from all mistakes and failures? Infallible. Infallible is correct. One word for a number of policemen called to quell a riot. Posse is correct. अंत में कार्यवाहक VC प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि सभी विजेताओं को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस मौके पर रजिस्ट्रार डॉक्टर विवेक रमन के अलावा CTLD के निदेशक डॉक्टर RN कृष्णैया, FOECs के निदेशक प्रोफेसर RK द्विवेदी, पैरामेडिकल के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नवनीत कुमार की उल्लेखनीय मौजूदगी रही। क्विज में कोऑर्डिनेटर्स आशीष अग्रवाल, जैस्मिन स्टीफन और दिलीप वाष्णे के अलावा सुकन्या रघुवंशी, सौम्या सूद आदि मौजूद रहे। क्विज का संचालन जैस्मिन स्टीफन ने किया। I must congratulate not only the winners but the participants also for having shown so much of interest. Reason being, your sheer presence here indicates that you are the one who is interested in your own self. You are the one who has a yearning to learn. Large number of people may be aware, but they don't care about it. So you are the one who has taken initiative to take part into it and to be a participant into it. Now that's a good example of a good learner.